हेलो एवरीवन। सो कंपनी है कोठारी पेट्रोकेमिकल्स। मंथली चार्ट लगा हुआ है, डेट है 7 जुलाई। सो इस कंपनी में जितने भी पैटर्न्स बने थे कंप्लीटली डेवलप हुए हैं। कप का ब्रेकआउट मिला था, वॉल्यूम थे। हैंडल का ब्रेकआउट हुआ था, वॉल्यूम थे। एंड अब प्राइस फिर से काफ़ी मेजर करेक्शन के बाद चलना चालू हुई है, तब भी वॉल्यूम बन रहे हैं। तो समझते हैं पूरे पैटर्न को, कैसे कैसे कहाँ कहाँ ब्रेकआउट मिले हैं और सपोर्ट कहाँ कहाँ पे कैंडल्स ने बनाया है। ठीक है, तो पहले हुआ अपना यहाँ पे कप का ब्रेकआउट। कप के ब्रेकआउट के बाद ऊपर बना हैंडल, देन हैंडल का ब्रेकआउट। अब जब हैंडल का ब्रेकआउट हो गया तो प्राइस एक सही मोमेंटम में ऊपर गया, एक कैंडल ऊपर गई। फिर से कैंडल्स ने यहाँ पर बना दिया सपोर्ट, यानी कि जो पहले रेजिस्टेंस हुआ करता था अब वो बन गया यहाँ पर सपोर्ट, CIP बन गया यहाँ पर। ठीक है, अब अगली हाई पॉइंट है कुछ ये लेवल, यानी कि 170 रुपये के आसपास के लेवल अपन बोल सकते हैं क्लियरली कुछ ये पॉइंट। तो यहाँ पे कैंडल्स को ब्रेकआउट करना है, बट प्राइस नीचे से चलना चालू हो चुकी है, यानी कि बॉटम से प्राइस काफ़ी अच्छे मूवमेंट में ऊपर आ चुकी है। तो अपन देखते हैं ये है कि ब्रेकआउट कहाँ से मिला था, ताकि आगे किसी कंपनी में ऐसा बने तो वहाँ पर हम देख पाएँ। तो डेली चार्ट पर लगाऊंगा इसको मैं। डेली चार्ट पर हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन कुछ इस पॉइंट से यहाँ पे। अब देखेंगे कि कहाँ पे कैंडल्स का क्या मोमेंटम रहा है। अब देख सकते हैं कि एक पॉइंट बनाया नीचे डाउन साइड में, यानी कि कुछ इस पॉइंट पे। यहाँ पे कैंडल्स ने रेजिस्टेंस फॉलो करके ब्रेकआउट किया। जिस कैंडल ने ब्रेकआउट किया उसकी अपर शैडो काफ़ी बड़ी थी, यानी कि अगर स्प्रिंग कैंडल बोल सकते हो उस टाइप की कैंडल बनी है ये। ठीक है, बट अब क्या है कि वहाँ पे कैंडल्स ने रेजिस्टेंस फेस किया, ब्रेकआउट दिया, फिर प्राइस नीचे आया, देन फिर से उसी पॉइंट से चढ़ा है इस पॉइंट से। यहाँ पे पहले इस कैंडल का लो था कुछ यहाँ पे, यहाँ से फिर से प्राइस ऊपर गई है, देन ब्रेकआउट करके अपने 140 रुपये के आसपास के लेवल का प्राइस क्लोज किया है, तकरीबन 144 पे। तो वहाँ से ब्रेकआउट देखिए कैंडल्स डायरेक्ट ऊपर निकली है 160, यानी कि 2-3 दिन की इतनी अच्छी मूव इसमें मिल चुकी है। तो अब हो सकता है कि इस कंपनी में भी टाइम आ जाए चलने का, और प्राइसिंग काफ़ी ठीक ठाक मोमेंटम में अपने को ऊपर जाते हुए देखिए। सो वेट करते हैं कि अपना जो 170 लेवल कब तक ब्रेक हो रहा है। अगर वो लेवल ब्रेक हो जाता है अच्छे वॉल्यूम्स के साथ में, तो सकता है प्राइस यहाँ से चलना चालू कर दे। सो देखते हैं, वेट करते हैं कब तक क्या रह सकता है। सो एजुकेशन पर्पस ओनली। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।